सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मुझे बैठे बैठे आज वैसे ही दौरा पड़ गया था जो अक्सर पड़ता है हर 2 हफ्ते बाद, कि हम ना अब कंसिस्टेंट रहने के लिए एक डेली व्लॉग टाइप का एक चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है मेरा वो वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं है कि रोज़ कैमरा उठा हाय गाइस वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स, वो वाला सीन नहीं है मेरा। तो मैंने सोचा कि वैसे ही देखते हैं क्या करते हैं, क्या चलता है। वैसे ही पूरा दिन, मतलब बड़ी शर्म की बात है कि अगर मैं 24 घंटे में से 7-8-10 मिनट का एक व्लॉग भी ना निकाल सकती। आई एम जस्ट यही चीज़ें जो मुझे डीमोटिवेट करती है, तो आई एम जस्ट मोटिवेटिंग माई सेल्फ। तो बेस्ट ऑफ लक टू मी। चला आऊंगा मैं ये सारी कहानियां तुम्हें सुना के, कैसे खुद को समझाऊं। देखे भाई, जरूरी नहीं है कि हर वो बंदा जो मुंह के अंदर कुछ लगा रहा हो वो नसवारी खाता। कुछ लोग मेरी तरह ब्रेसेस वाले होते हैं और उनके मुंह में टैटूज बने होते हैं, और उन टैटूज को अवॉइड करने के लिए वो अपने मुंह के अंदर ये डेंटल वैक्स लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है, मैं लगा के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। मोमबत्ती टाइप की छोटी छोटी वैक्स होती है, हम लोग इसमें इसका एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, इसको हम लोग स्मैश करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे लगता है। हमने अपनी नसवार डेंटल वैक्स लगा लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें ना इंसान की एसेंशियल होती है, जैसे घड़ी, ब्रेसलेट्स, रिंग्स वगैरह। ऑल दो आई एम एलर्जिक टू आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल वॉचेस, बट अच्छा लेटली आई डोंट नो वाई, बट जेरी, टॉम एंड जेरी वाला जेरी, पता नहीं क्यों एक ऑब्सेशन सा बन गया मेरा। वॉलपेपर जेरी का लगा हुआ है। आई हैव दिस ब्रेसलेट, जो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स होते हैं ना, मेरा मेरी दोस्त के पास है, उसके ऊपर भी जेरी लगा हुआ है। और मेरे पास एक जो घर की चाबियाँ हैं उसकी किचन भी जेरी वाली है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ऐसा है, हमें देर हो रही है। सो देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बिल्कुल ही भूल गई, एंड दैट इज परफ्यूम। ठीक है, अब आप परफ्यूम लगाएं या मिस्ट लगाएं, एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि जो परफ्यूम्स होते हैं ना वो हमेशा आपके पल्स पॉइंट पर लगते हैं, ठीक है। एंड एक स्प्रे काफ़ी है, सही है। पता है मसला क्या है लोगों का, लोग परफ्यूम में नहारे होते हैं। अगर वो परफ्यूम की जगह पानी इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता चलता दे वेंट फ्रॉम स्मेलिंग लाइक एंजेलिना टू मंजुलिका, और उनको इस चीज़ की समझ भी नहीं आती। वो बहुत बैड स्मेल करता है अगर आप परफ्यूम में नहा रहे होते, तो इस थ्योरी को मार्क कर लें और अगली बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, आपसे मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। मेक श्योर कि घर से निकलते हुए सारी लाइट्स ऑफ हो, वरना बिल देख कर आपका दिल ऑफ हो सकता है। और दिस इज द जेरी आई वाज टॉकिंग अबाउट। जब भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, यानी वो फ्रेशी होते हैं और वो नई नई पढ़ाई या नई नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं, तो उनको नया नया जोश चढ़ता है भाई असाइनमेंट्स करने का, पीपीटीज बनाने का, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने का। आइदर उनके टीचर उनको इतना पढ़ने का बोलें या ना बोलें, पर वो अपना फर्स्ट समझ कर वो सारे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब नया टीचर अपॉइंट किया जाता है ना, तो पता नहीं क्यों उनको भी ओवर एफिशिएंट बनने का शौक हो रहा होता है, चाहे उनको पढ़ाना आता हो कि ना आता हो, सब्जेक्ट रेलिवेंट हो कि ना हो। वो आपसे कहेंगे कि बेटा पहाड़ उखाड़ो या खड्डा खोदो, इसको गूगल से लिख कर लेके आना, एआई से मत लिखना, लेकिन इसको गूगल से कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, लिख कर लेके आना, और चाहे 40 बजे क्यों ना हो, 40 के 40 का सेम नहीं होना चाहिए। अबे भाई, जब गूगल एक है तो 40 अलग अलग डेफिनेशन हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो भी एक सिंपल सी चीज़ की। असाइनमेंट हमने कर लिया, अब हम कैफ़े जाएंगे अपना फेवरेट काम करने के लिए, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग। कैफे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी इतना रश हो जाएगा, बैठने की जगह नहीं होगी, तो हमें अपनी जगह रिजर्व कर लूँगी। वैसे 12 से क्लासेज हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी मेरी ही है, क्योंकि कुर्सियाँ मेरे सामने ही ऊपर रखी जाती हैं, मेरे सामने ही नीचे भी रखी जाती हैं, मेरे सामने ही सफाई होती है, मेरे सामने ही गंदगी भी हो रही होती है। खैर, क्लास के टाइम खासा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि टीचर बहुत बोरिंग लेक्चर दे रही थी, अनलेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना। अब ये थी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास, जो बहुत बोरिंग थी। मुझे नहीं लगता एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, सर्वेस करवाने चाहिए, कंपनीज लेकर जाना चाहिए, बड़े लोगों से मिलवाना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, कराची है, पाकिस्तान है, थ्योरी से बाहर आएंगे तो पाकिस्तान कैसे कहलाएंगे। अच्छा, बीच में आई वुड लाइक टू इंटरफेयर विद अ बर्थडे पार्टी। जो आप में से मेरे ट्रेवलॉग्स देख चुका है, वो इस बच्चे को और इसके बराबर वाले बच्चे को पहचान गया होगा। तो बराबर वाले को तो खैर सभी जानते हैं, जो मेरा छोटू भाई है गुलाबी शर्ट में, इसको आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है हसनैन। और जिस बच्चे की बर्थडे पार्टी थी उसका नाम है अशर। आप में से
ट्रेवलॉग्स देखने वाले इस बच्चे को जानते होंगे, मेरे चाचू का सबसे छोटा वाला बेटा है। वैसे आपस की बात है, यही एज होती है बंदा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, उसके पेरेंट्स उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर दें, क्योंकि इस एज को गुजर जाने के बाद तो आप अपने बर्थडे से वो अपनी एग्जिस्टेंस पे अफसोस ही कर सकते हो। बट इट्स लाइफ, अपनी बर्थडे पे ना सही लेकिन हम दूसरे बच्चों की बर्थडे पे तो खुश हो सकते हैं ना। ये जादू देखते हुए मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंकल से कहूँ, अंकल मेरे सारे दुखों को भी इसी डंडे में डाल के खुशी बना कर निकाल दें। काश ऐसा हो सकता। There is an advice, जब जिंदगी आपको टफ टाइम और कड़वे मसले दे रही हो तो मीठी बंटी खाएं और दुख भगाएं। वैसे आपस की बात है, इस बंटी को जब मैंने निकाला और मैंने इसके रंग देखे तो बड़ी अजीब सी बात है, पर मुझे अपने दोस्त याद आ गए, क्योंकि मेरे दोस्तों में इस बंटी से ज़्यादा रंग थे। इसमें होंगे तकरीबन कोई 5 से 6 रंग, लेकिन उनके तो 18, 19, 14, 20 जितने गिने कम हैं, क्योंकि हर दिन वो एक नए रंग के साथ सामने आते हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, जब भी रिकॉर्ड करने लगो तो आसपास वालों को एकदम से चुल होती कि यार रिकॉर्ड क्यों कर रही हो, खाते हुए क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, लिखते हुए क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, अपने आप से बात क्यों कर रही हो, पागल हो क्या? अरे भाई पागल नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, करना पड़ता है ये सब, इसी से हमारा धंधा चलता है। खैर, तो ये हमारे दिन का अख्तिताम था, तो उम्मीद है कि आपने हमारा दिन देखा होगा, बोर हुआ या इंजॉय किया, वो सारे मामलात बात के। आई जस्ट नीड मोटिवेशन कि मैं आगे कंटिन्यूटी में इसी कंसिस्टेंसी से बनाती रहूँ। तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।